रह गई बात शांति की, शांति की मामला कोर्ट में चली गई है, अब न्यायालय जो है दोनों को इंसाफ देंगे, आप लोग शांत हो जाएं, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। और अब जो है कि आप लोगों को कोई जवाब या रिप्लाई भी नहीं देने वाले हैं, क्योंकि लोग ऐसे ही भोगते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो कितना सफाई देते पूरे। कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार। शांति, आज तुम्हारे इस वजह से मैं मीडिया भाई लोग को बुलाई, मैं तुम्हारा बाइट चलवाई, क्योंकि तुम कुछ कहना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे थे। शांति, अब से तुम एक ही चीज समझ के चलना कि बस कोई भोग रहा है और तुम्हें हाथी की तरह अपने इंसाफ के लिए कानूनी कार्रवाई। मेरा मतलब है, सूर्याकांत ने बोला इंस्टाग्राम से, सब लोग देख सकता है, और ये बोल रही है थिएटर से नंबर, ये इतना झूठ पे झूठ बोलती जा रही है कि अब हम कुछ कह नहीं सकते। ये 2 लाख रुपया भी लिया है उस सूर्याकांत ने, उसके दोस्त ने बताया है, इसीलिए मेरे कानपुर तक पहुंच गई। कोई 2 लाख रुपया दिया है? हाँ, 2 लाख रुपया सही है, इतना तो कोई कैसे जा सकता है। सुना दिए सबूत के, किसी पर भी टिप्पणी नहीं करना, क्योंकि हमारी संस्था किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, तो इसलिए वो कानपुर तक पहुंच गई। उससे रुपया खींचा जा रहा, उसका समाधान कुछ नहीं निकल रहा है। और मैं सूर्याकांत से यही कहती हूँ, बाबू देख, मैं तो वहाँ नहीं आऊंगी और नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। हाँ, सुना रहे। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि सोल्यूशन निकाल लीजिए, मैं भी नहीं चाहती हूँ। सूर्यकांत के दोस्त बोल रहे हैं, हमरा से महिला मंच में 2 लाख रुपया मांगा है, जो हमको देना है। हाँ, दे दी कुछ गलत करने के लिए, ये गलत है कहीं ना कहीं। सुसाइड करने जा रही थी वो, मैं रात भर जगी हूँ, कल मैं रात भर जगी हूँ इसको समझाने में, और मैं बोली मैं 2 दिन इसलिए तुम्हारा कॉल लिया। यहाँ नारायणी शक्ति फाउंडेशन आपके सपोर्ट में है, एक मिनट, नारायणी शक्ति फाउंडेशन आप लोगों के सपोर्ट में है, इतना मीडिया भाई लोग आते हैं आपके साथ रहते हैं, इस तरह की चीजें क्यों? हम हमेशा तुम्हारे साथ, फोन नहीं उठाता तो शायद हमने सोचा दीदी ने भी साथ छोड़ दिया, अब तो कोई है नहीं, कहाँ जाएंगे, तो इसलिए सोचा कि एक तो बदनाम पे बदनाम, हमने सूर्याकांत को कभी बदनाम करने नहीं सोचा, बस इतना बोला कि उन्होंने हमें धोखा दिया। लेकिन हमारे ऊपर तो इतना, मतलब एक धंधा वाली और पता 3-4 पति 1,000 डे नाइट, तो उसका सबूत तो रख भैया, मुंह से बकने से कुछ नहीं होता है। मैडम क्या क्या लगता है, जिस तरह से आपको परेशान किया जा रहा है, आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, क्या लगता है कोई पर्सनली खुन्नस है कि पैसा उसा कुछ बकाया गया है, कि कोई दिक्कत है कि ऐसे कैसे कोई पीछे हाथ धोके पड़ जाएगा? आप प्रश्न किए तो मुझे हंसी भी आ रही है। बिल्कुल हंसी आ रहा है भाई, ऐसे कैसे कोई महिला का दुश्मन बन जाएगा समाज? बिल्कुल बिल्कुल, खुद को बोलती है समाज से भी है। सबसे बड़ी बात है कि वो संगठन जो है वो शुरुआती दौर में ही नारायणी शक्ति फाउंडेशन का जब निर्माण हुआ था तो वो थोड़ा सा क्रिएट करने लगे थे, लेकिन बीच में सब फिर वो नॉर्मल हो गए और सब कुछ ठीक हो गया, एक परिवार की तरह। मैं भी शांति से काम कर रही थी, वो भी अपना शांति से कर रहे थे। हुआ क्या कि ये जो केस है शांति का केस, मैंने काउंसलिंग किया, शांति का बयान, शांति का अपना एक अंदाज, शांति का दुख तकलीफ, कहीं ना कहीं हमारी काउंसलिंग सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। इस केस को वायरल देखकर तुरंत उस संगठन की एक महिला इसमें प्रवेश करती है, थाना में जाती है, पता ना थाना के पास ही पाई जाती है, इनके पास इन्फॉर्मेशन भी आता है कि आपको थाना में बुलाया जा रहा है, आप हमको कॉल भी की थी। तो मेरा ये कहना है, और फिर ये सूर्यकांत के परिवार से मिल जाना, मिल के फिर सूर्यकांत को अपने संस्था में लेकर जाना, मैं पूछती हूँ कि अगर 2 संस्था इस तरह के तमाशा करेंगे तो क्या समाज में किसी को भी इंसाफ मिल पाएगा? अगर किसी संस्था में कोई केस चला गया और बाद में दूसरे संस्था में अगर विपक्षी आ रहे हैं, तो तुरंत उस संस्था को उस संस्था के साथ बातचीत करके और मामला को उन्हीं के पास, वो तो बेक हो जाना चाहिए कि हाँ आप वहाँ जाइए, हमारी बात होती है, हम फोन पर बात कर लेंगे। वो बेवजह जो है क्रिएट कर रहे हैं, चीजें और भी जो है बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल, आप जाइए, आपकी सुरक्षा की ध्यान दी जाएगी, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। एक संस्था को दूसरे संस्था के साथ मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए, तो न्याय मिलेगा। और उसके बाद सबको मिल के काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग समाज सुधार के लिए संस्था बनाए हैं, ना कि समाज को बिगाड़ने के लिए। आज देखिए, आप देखे होंगे कि मैं जल्दी अपने ऑफिस में, खास करके सोशल मीडिया में, मैं इस तरह का बयान नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं केस काउंसलिंग का मेरा वीडियो देख लेंगे, लेकिन मेरा इस तरह का कोई बयानबाजी का वीडियो नहीं देखेंगे। मेरे पास देखिए बहुत सारे फाइल पड़े हुए हैं, सॉरी, देखिए उसको उठाइए, हम भी बहुत टेंशन में आ गए हैं, और उधर भी आप कैमरा दिखा सक, लाइक उधर से भी देख लीजिएगा, बहुत सारे फाइल पड़े हुए हैं। शांति के वजह से कहीं ना कहीं मैं बहुत लोगों को
केस नहीं, इंसाफ नहीं दिलवा पा रही हूँ, मैं केस देख नहीं पा रही हूँ। मेरा ये कहना है कि आप एक संगठन है, क्यों दूसरे संगठन की टिप्पणी आप कर रहे हैं? आप थोड़ी सी गरिमा को रखें। और दूसरी बात कि देखिए, आज जो यह शांति मीडिया में आई है, इनका वजह क्या है? कल कुछ लोग जो है कि इनके पहले पति जहां की डिवोर्स हो गया है, और इनके पति जो है पहले वाले, वो खुद अपने मुंह से बोले हैं कि हाँ, हम लोगों का डिवोर्स हो गया है। तो जब डिवोर्स दूर है, जब डिवोर्स हो गया तो कोई ऐसी वजह होगी, कोई ऐसी कारण होगा, तो ये डिवोर्स हुआ होगा। अब जो है कि वो लोग, देखिए मुद्दा पॉइंट तो उन लोगों को मिल नहीं रहा है। इमोशनली ब्लैकमेल करना या फिर इमोशनली बदनाम करना, इनको किस तरह से बदनाम कर रहे हैं? अब जब डिवोर्स हो गया है, उनका कहीं कहीं बदनामी आपकी झेली जा सकती है, लेकिन जो आपने शांति के बेटी का फोटो आप सोशल मीडिया पे वायरल किए हैं, ये बर्दाश्त करने की बात नहीं है। क्योंकि आप लोग भी एक माँ हैं और महसूस कर सकती हैं कि बच्चे कितने इंपॉर्टेंस माँ के लिए होते हैं। आज शांति, कल शांति सुसाइड करने जा रही थी कि मैं जब तक जीवित रहूंगी मेरे बच्चों को भी ये लोग नहीं छोड़ेंगे, न जाने किस जन्म का ये लोग मुझसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। मुझे तो लगा कि बस मुझे सूर्यकांत से लड़ना है और मुझे सूर्यकांत से अधिकार लेना है, लेकिन बेवजह की ये 3-4 महिलाएं हमारे जीवन में आके मुझे इस तरह से त्रस्त कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मैडम, सही बोल रहे हैं। इतना जो आपको टारगेट किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है कॉल पे, उसके बाद जो है कि वीडियो के माध्यम से, आखिर क्यों आपके पीछे एकदम हाथ धोके पड़ गई है क्या? बिल्कुल पड़ गई। रोज एक दिन बर्दाश्त तो कोई बात नहीं, रोज रोज देखती हूँ दूसरा डबिंग करेगा रिकॉर्डिंग, मेरी आवाज भी नहीं है और फिर भी, और वो जो आवाज है वो औरत बस हाँ हूँ बोलती है, लड़का सिलता बोलता चला जाता है। इन लोगों, ये लोग इतना गिर गए हैं कि गंदा गंदा, मतलब जो रिकॉर्डिंग बच्चा अगर सुने तो वो शायद शर्मा जाए। इन लोगों को बिल्कुल नीच में गिर गए हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? उस वीडियो में देखिएगा कि उस संस्था की एक महिला है जो बच्चे को बोल रही है, फोन लगाती है मेन उस संस्था के मेन अध्यक्ष को, और उस अध्यक्ष से बच्चा को बात करवा जाता, बोलता लीजिए आप बात करिए बच्चा से और इसे पूछिए कि इसकी माँ कैसी है। लेकिन वो जो संस्था की जो महिला हैं, जिनके ऊपर ये संस्था उनकी टिकी हुई है, वो बोलते हैं नहीं बच्चे से, वजह से कहीं ना कहीं शांत भी हैं हम लोग, शांत भी हैं। तो वो पढ़ी लिखी महिला हैं, उनको पता है कि कहाँ पर क्या बोलना है। लेकिन जो वो अपने सेना बनाए हैं ना, उनके सेना इतने उडंग हैं, इतने उडंग हैं कि ना उन्हें बोलने आता है, ना उन्हें चलने आता है, और किस तरह से दूसरे संस्था पर सवाल उठाना चाहिए इस चीज़ की गरिमा को भी वो भूल जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये सारा गाछ किसके ऊपर गिरेगा? अगर हमारे संगठन की कोई महिला बेवजह के किसी संस्था पर टिप्पणी करेगी तो मैं रोकूंगी ना कि आप गलत कर रहे, इस चीज को यहाँ पे स्टॉप कर देना है। लेकिन वो खुलेआम उन लोगों को लाइसेंस दे दिए हैं कि जितना उस संगठन को बदनाम करना है करो, जितना शांति को बदनाम करना है बको। तो मेरा कहना है कि अगर पर्सनल कुछ हुन्नस है, पर्सनल कोई दुश्मनी मन में कर रहा है, तो मेरे भाई आइए ना सामने फरिया लेते हैं किस बात की देरी है। लेकिन आप संगठन को बदनाम नहीं करिए। मुझे नहीं लगता है कि मैंने आपका कोई धन लिया है, मेरे आपका कोई प्रॉपर्टी भी बात है, किस बात की इतनी हुन्नस? आप भी संस्था चला रही है, नारायणी शक्ति फाउंडेशन भी चल रही है, आप भी काम करिए, आप अपने कर्मों से पहचाने जाएंगे। ये भी संस्था काम करेगी तो अपने कर्मों से पहचानी जाएगी। बेवजह की ये दुश्मनी निकालने के पीछे क्या रीजन है? और आप हमसे हुन्नस निकालने के चक्कर में आप शांति को बदनाम किए जा रहे हैं, बदनाम महिला को पूरा टॉर्चर कर रहे हैं, आप मजबूर कर रहे हैं कुछ गलत करने के लिए। आपको संस्था को टिप्पणी करना है, आपको संस्था को, आप डायरेक्ट बोल रही हैं कि नारायणी शक्ति फाउंडेशन जैसी संस्था को बंद कर देनी चाहिए। किस चीज को प्रमाणित करके आप बंद करने की बात की? आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? इतनी हिम्मत आपको नहीं होना चाहिए था। और जिस दिन मेरे सामने फेस टू फेस ये शब्द बोलेंगी ना आपकी, मैं वो स्थिति बिगाड़ूंगी कि कल्पना से परे हो जाएगा। और बाकी बात देखिए, किस तरह से एक महिला को जो लगातार टॉर्चर किया जा रहा है और मुझे आप लोगों को नजरों से गिराया जा रहा है, एकदम वो किया जा रहा, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को कि शांति गलत है कि सूर्या गलत है। ठीक, हम वैसे आपको एक बात बताएं, हम दोनों लोग ही गलत हैं क्योंकि हम दोनों लोग ही ने शादी की, हम दोनों ने रिलेशनशिप बना। लेकिन ये तीसरा मजा मारने वाला, इसका क्या वजूद बनता है? वजूद बनता है ना, बीच में आके नेम फेम तो ले रही है वही ना, उसको क्या बनता है? कहीं भी आप लोग वीडियो में देखिएगा, हम लोग का जो भी वीडियो आया है, जो भी बोली है, शांति बोली है, हम लोग कहीं भी कोई भी बेवजह नहीं बोले हैं, जो भी चीजें दिखाए हैं चलाए हैं, सबूत के आधार पे बोले हैं चलाए हैं, जितने भी
भी मीडिया भाई चलाए हैं, सबसे पूछ लीजिएगा, सबके पास सबूत दिए हैं, आधार दिए हैं, कुछ चीज़ें नहीं दिखाए हैं, नहीं चलाए हैं, उस चीज़ को आप लोग भी समझिए। और मेरे पुराने वीडियो से अभी तक की वीडियो देखिए, मैं सूर्यकांत जी बोलती हूँ, लेकिन वो डायरेक्ट वो लोग शांति को गाली बकती है, शांति को बदनाम करती है। क्या समाज से भी हो के तुम्हें कौन अधिकार दिया कि एक महिला को उठाने के जगह पे तुम लोग गिरा रहे हो? उन लोगों के वीडियो में, किसी भी वीडियो में देख लीजिएगा ना, तो आप जो भी मीडिया चलाते हैं उनसे वो आधार मांगिएगा, कोई उनके पास सबूत नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है उन लोगों के पास। ओके, सिर्फ आती है मीडिया में, खुद बैठ जाती है, जो जो मन में आता है बक देती है, हाँ बक देती है, क्योंकि वायरल के देती है, कहीं कुछ कहीं कुछ, पता नहीं हमने इसका क्या बिगाड़ा, इससे मैंने क्या दुश्मनी की। एक मिनट देखिए क्या होता है, मीडिया में आती है, खूब बकबक करती है, अभी बोले ना आप भी शांति का नाम लेके आ जाइए मीडिया में, कुछ से कुछ बोलिए, आपका भी वीडियो चलने लगेगा। तो वही बातें हैं, वो लोग भी आ जाती है शांति का नाम लेके, जो मन में आता है बक देता है। और मुझे नहीं लगता है कि एक सम्मानित संस्था का इस तरह का काम होगा, और कैसे उस कुर्सी पे उनको बैठाए हुए हैं अभी भी हमें तो शर्म आती है। बाकी बात दूसरी पॉइंट यह है कि हाँ, क्या कोई महिला अगर पहले पति से डिवोर्स हो जाता है तो क्या उसका जीने का अधिकार नहीं है, उसका जीवन नहीं है, वो नहीं जीना चाहेगी, वो किसी के नज़दीक नहीं जाएगी, शादी नहीं करेगी? कौन बोला है कि नहीं करेगी, आप यह बताइए। हाँ तो ये वही की है, पहले पति से डिवोर्स मिला है ना, तो उनका अभी ये परिवार सपोर्ट में है, और जिससे ये प्यार की, जिसके सहारे रहने का कोशिश की, जीवन जीने का कोशिश की, और कहीं कहीं उन लोगों के वजह से उनसे भी ये अभी दूर जा रही है। तो कहीं कहीं देखिए इसको चारों तरफ से अकेले किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कुछ गलत करने के लिए, तो ये गलत है। कहीं कहीं सुसाइड करने जा रही थी वो, मैं रात भर जगी हूँ, कल मैं रात भर जगी हूँ इसको समझाने में, और मैं बोली मैं दो दिन इसलिए तुम्हारा कॉल लिया। नारायणी शक्ति फाउंडेशन आपके सपोर्ट में है, एक मिनट, नारायणी शक्ति फाउंडेशन आप लोगों की सपोर्ट में है, इतना मीडिया भाई लोग आते हैं आपके साथ रहते हैं, इस तरह की चीजें क्यों? हम हमेशा तुम्हारे साथ फोन नहीं उठाता, तो शायद हमने सोचा दीदी ने भी साथ छोड़ दिया, अब तो कोई है नहीं, हम कहाँ जाएंगे, तो इसलिए सोचा कि एक तो बदनाम पे बदनाम, हमने सूर्यकांत को कभी बदनाम करने नहीं सोचा, बस इतना बोला कि उन्होंने हमें धोखा दिया, लेकिन हमारे ऊपर तो इतना मतलब एक धंधा वाली और पता 3-4 पति 1000 डेढ़ नाइट, तो उसका सबूत तो रख भैया, मुंह से बकने से कुछ नहीं होता है। रह गई बात शांति की, शांति की मामला कोर्ट में चली गई है, अब न्यायालय जो है दोनों को इंसाफ देंगे, आप लोग शांत हो जाएं, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। और अब जो है कि आप लोगों को कोई जवाब या रिप्लाई भी नहीं देने वाले हैं, क्योंकि लोग ऐसे ही भोगते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो कितना सफाई देते पूरे कुत्ता भूखे हजार हाथी चले बाजार। शांति, आज तुम्हारे इस वजह से मैं मीडिया भाई लोग को बुलाई, मैं तुम्हारा बाइट चलवाई, क्योंकि तुम कुछ कहना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे थे। शांति, अब से तुम एक ही चीज समझ के चलना कि बस कोई भोग रहा है और तुम्हें हाथी की तरह अपने इंसाफ के लिए कानूनी कार्रवाई। मेरा मतलब है सूर्यकांत ने बोला इंस्टाग्राम से सब लोग देख सकता है, और ये बोल रही है थिएटर से नंबर, ये इतना झूठ पे झूठ बोलती जा रही है कि अब हम कुछ कह नहीं सकते। ये 2 लाख रुपया भी लिया है उस सूर्यकांत ने, उसके दोस्त ने बताया है, इसीलिए मेरे कानपुर तक पहुंच गई। कोई पूरी 2 लाख रुपया दिया है? हाँ 2 लाख रुपया सही है, इतना तो कोई कैसे जा सकता। सुना दिए सबूत के, किसी पर भी टिप्पणी नहीं करना, नहीं क्योंकि हमारी संस्था किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, तो इसलिए वो कानपुर तक पहुंच गई, उससे रुपया खींचा जा रहा, उसका समाधान कुछ नहीं निकल रहा है। और मैं सूर्यकांत से यही कहती हूँ, बाबू देख मैं तो वहाँ नहीं आऊंगी और नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। हाँ सुना रहे, तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि सोल्यूशन निकाल लीजिए, मैं भी नहीं चाहती। सूर्यकांत के दोस्त बोल रहे हैं, हमरा से महिला मंच में 2 लाख रुपया मांगा है, जो हमको देना है। हाँ दे दी, 2 लाख रुपया मांगा है जो देना है। हाँ हाँ, कौन मांगी थी? ये अपर्णा मैडम। अच्छा, 2 लाख रुपया उसका दोस्त आया भी है, बाहर खड़ा है, वो सामने नहीं आना चाहता है, बाहर भी खड़ा है। कौन? इसका दोस्त। अच्छा। आना नहीं चाहता। अच्छा। क्योंकि चेहरा वो हो जाएगा। अच्छा, मतलब देखिए हम लोग काफी दिन से काम कर रहे हैं, पहले भी बोले कि अभी आके ऑफिस में देख लीजिए, बहुत सारा फाइल है जो केस पड़ा हुआ है, सॉल्व है, लेकिन ये लोग इस केस में इसलिए आए क्यों नहीं, उनको नेम फेम चाहिए था थोड़ा, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कभी कुछ किया तो नहीं समाज के लिए, डायरेक्ट आ रहे हैं, सोच रहे हैं एक ही बार में फेमस हो जाए, नाम हो जाए, चर्चा हो जाए और सारा चीज कमा ले, मतलब सारा चीज एक ही बार में हो जाए। मैं वायरल हो गई हूँ, बस उसी में टिप्पणी करती है, वायरल हो गई है, साड़ी ओढ़े रहती तो क्या करूँ मैं, क्या मर जाऊँ क्या? मुझे पब्लिक सपोर्ट करता, और पब्लिक से मैं फिर भी कहती हूँ मुझे सपोर्ट करो, मुझे आगे बढ़ाओ, तुम लोग मेरे हिम्मत हो, अगर तुम लोग हमारा साथ छोड़ दोगे हम कैसे रहेंगे बता दो, फिर हम जिएंगे नहीं। कुल मिला के हम लोग बिहार का, हमें पूरा सपोर्ट चाहिए, पूरा हमें इतना इतना टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कॉल मैसेज
धमकी पैसा को लेके सारी चीजों को लेके उनको लेके कुछ कहना जैसे है? जैसे कोई कॉल आएगा तुरंत हमें गाली देने लगता है पता नहीं किसका कॉल आता है मैं तो बोलूंगी भाई हेलो सोई गाली मुझे बहुत तरीके से गाली दे वो आया जा रहा है हर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है लांछन लगाया जा रहा है ये शांति का ही रिकॉर्डिंग है। अगर मैंने एक जो दिल्ली में एक भैया है मतलब जो ठेकेदार नहीं होता है मैंने उसको फ़ोन किया है पैसा लेने के लिए यहाँ पे तो ये डे नाइट वाली एक बात थी तो ये रिकॉर्डिंग छोड़ती ये क्यों छोड़ा पैसा वो तो ठेकेदार का था मैंने उससे उसमें बाबू सोना ना कर रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ मैं ये बोले कह रहे पैसा नहीं देगा सबने सुना भी होगा जैसे मैं बोलती हूँ ऐसे पैसा नहीं देगा हमने तो उसे कमोन पैसा मांगी हमें जब ज़रूरत होती ज़रूरत पड़ी तब ना मांगी बस इतना ही बात भाई इसमें क्या निकल रहा है भाई चीज़ें तो सभी लोग समझ रहे हैं क्या की बात देखिए जो जो भी चीज़ें हैं आप लोग अच्छे से देख रहे हैं समझ रहे हैं इनको भी जीवन जीने का अधिकार है और क्या सही है क्या गलत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ ही गया है और चीज़ें जो है अब कोर्ट में है बाकी बात